शाही अंदाज, खुखार मिजाज, आंखें इतनी तेज कि उड़ते पंछी के पर गिन ले, और बैटिंग का तो पूछो ही मत। शॉट ऐसे कि गेंद को नहीं, गेंदबाज को ही स्टेडियम के बाहर फेंक दे। क्रिकेट की दुनिया कहिए या दुनिया का क्रिकेट, दोनों में एक नज़र वाला टाइगर इकलौता ही हुआ है अब तक। नाम मंसूर अली खान पटौदी। उन्होंने भारतीय टीम को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दिया है। नवाब मंसूर अली खान पटौदी अपने रियासत के नौवे नवाब थे, जिन्हें टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता था। वो खिलाड़ी जिसने अपनी कमजोरी को ही अपना ताकत बना लिया और जबरदस्त शोहरत हासिल करते हुए बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड। टीम इंडिया का वह कप्तान जिसने अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए, उससे बात करने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 रेफ्रिजरेटर भेज दिए। भारतीय क्रिकेट इतिहास का वह कप्तान जिसने अपने देश के खिलाड़ियों को विदेश में खेलने के लिए तैयार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और आज हम बात कर रहे हैं टाइगर पटौदी के नाम से मशहूर मंसूर अली खान पटौदी की, जिन्होंने एक अख खराब होने के बावजूद ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे कर पाना अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं होती है। लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। भारत के लिए 46 टेस्ट मैच खेलने वाले टाइगर पटौदी ने 40 मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाली थी। मंसूर क्रिकेट प्रेमियों के बीच अपने शानदार खेल की वजह से जाने जाते थे, लेकिन सिने प्रेमियों के बीच उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं थी। वह खेल के साथ साथ अपनी लव लाइफ की वजह से चर्चा में रहते थे। वह साल 1968 में बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि एक समय पर वह सिमी गरिवाल के प्यार में पागल थे। इसकी चर्चा हमने सिमी गरिवाल और शर्मिला टैगोर के एपिसोड में की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंसूर अली खान का जन्म 5 जनवरी 1941 को भोपाल में हुआ था। वो पटौदी के नवाब इफ्तिखार खान और भोपाल के नवाब बेगम सजीदा सुल्तान के इकलौते बेटे थे। मंसूर अली खान का जन्म भले ही भोपाल के नवाब परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पटौदी जूनियर को अपने पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी से क्रिकेट का प्यार विरासत में मिला। उनके पिता भी मशहूर क्रिकेटर थे, जिन्होंने युद्ध से पहले इंग्लैंड के लिए 3 टेस्ट खेले थे। मंसूर की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के वेलहम बॉयज स्कूल से हुई और यहीं से उनके क्रिकेट करियर की भी शुरुआत हुई। कुछ समय बाद ही मंसूर को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया, साल 1952 में जनवरी की 5 तारीख को, जब मंसूर अली खान का जन्मदिन भी होता है। उसी दिन उनके पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी को पोलो खेलते वक्त दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसके बाद से पटौदी रियासत मंसूर अली खान संभाल रहे थे। ये पटौदी रियासत के नौवे नवाब बने। हालांकि तब देश आजाद हो चुका था, इसी कारण उन्हें आधिकारिक तौर पर नवाब नहीं माना गया। आपको बता दूं कि मंसूर अली खान की मां साजिदा सुल्तान तब अपने पिता हमीदुल्लाह खान के निधन के बाद नवाब की हैसियत से भोपाल रियासत की गद्दी पर कायम थी। वजह थी उनकी आपा और हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी अबीदा सुल्तान अपने हुकूक छोड़कर बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थी, जबकि इधर पटौदी रियासत की कमान खुद मंसूर अली खान संभाल रहे थे। इस तरह माँ और बेटा दो अलग अलग रियासतों के मुखिया की हैसियत से हिंदुस्तान की सरकार से प्रीवी पर्स, जो कि राजा महाराजाओं नवाबों को मिलने वाली रकम थी, उसे ले रहे थे। हिंदुस्तान में साल 1971 तक प्रीवी पर्स का सिलसिला चला था। मंसूर को सभी लोग टाइगर कहा करते थे। इसके बारे में खुद मंसूर अली खान अपनी जीवनी टाइगर्स टेल में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा पूरा नाम मोहम्मद मंसूर अली खान पटौदी है। मेरे माता पिता, दोस्त यार, जान पहचान वाले मुझे टाइगर भी कहा करते हैं। क्यों कहते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया। बस इतना बता सकता हूँ कि जब मैं बच्चा था तभी से मेरी प्रवृत्ति टाइगर जैसी रही है। मैं बचपने में बड़ी आक्रामकता और फुर्ती के साथ फर्श के चारों कोनों में चक्कर लगाया करता था। मुमकिन है इसीलिए उन लोगों ने मुझे टाइगर कहना शुरू किया होगा। 1 जुलाई 1961 का दिन मंसूर की जिंदगी का सबसे खराब दिन रहा। उस वक्त मंसूर अली खान ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे।
वहां की टीम से क्रिकेट भी खेलते थे, बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के कप्तान बना दिए गए थे। वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें यह हैसियत मिली थी। उस वक्त को याद करते हुए मंसूर अली खान लिखते हैं, उस दिन होब में सक्सेस की टीम के खिलाफ हमारा मैच था। खेल खत्म होने के बाद मुझे मिलाकर टीम के 5 साथी चाइनीज खाने का लुफ्त लेने के लिए ब्रिंगटन चले गए। वहां खाना खा पीकर हम मॉरिस 1000 कार से होटल लौट रहे थे। गाड़ी विकेटकीपर रॉबिन वाटर्स चला रहे थे। शाम का वक्त था। हम होटल से 300 गज ही दूर थे कि 3 साथी गाड़ी से उतर गए। वो चहलकदमी करते हुए होटल तक जाना चाहते थे। उन्होंने मुझे भी कहा, मगर मैंने मना कर दिया। मैं अब तक पीछे वाली सीट पर बैठा था, आलस काफी आ रहा था, इसलिए चहलकदमी करने से भी मना किया था। गाड़ी से ही होटल पहुंचकर आराम करने के मूड में था, लिहाजा जैसे ही 3 साथी उतरे तो मैं आगे वाली सीट पर रॉबिन के बगल में आकर बैठ गया। इसके बाद रॉबिन ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ाई ही थी कि सामने से अचानक एक बड़ी कार हमारे सामने आ गई। हमारी गाड़ी सीधे उससे जाकर भिड़ गई। टक्कर होते ही मैंने खुद को बचाने के लिए फुर्ती से अपना दाया कंधा आगे किया, इससे कार का सामने वाला विंडशील्ड टूट गया। मुझे लगा कि शायद मेरा हाथ भी टूट गया है। एम्बुलेंस से अस्पताल जाते वक्त मैंने रॉबिन से यह बात कही भी। उसके माथे पर कुछ खरोचे लगी दिख रही थी, इसके अलावा कोई और चोट हमें समझ नहीं आ रही थी। आंख में चोट लगी है इसका तो अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि कोई दर्द वगैरह तो हो ही नहीं रहा था। एक्सीडेंट गंभीर नहीं था। इसके बाद हमें ब्रिंगटन के अस्पताल ले जाया गया। शुरुआती इलाज जांच वगैरह के बाद वहां मुझे बताया गया, आपकी दाई आंख का ऑपरेशन करना होगा। यह सुनकर मैं अचरज में था। कार की विंडशील्ड के कांच का कोई बारीक टुकड़ा मेरी आंख के भीतर चला गया था, उसे निकाला जाना था। इमरजेंसी ऑपरेशन होना था, उसके लिए सर्जन डेविड सेंट क्लेयर रॉबर्ट को घर से बुलाया गया। उन्होंने बहुत अच्छे से सब काम किया, मगर वह मेरी आंख का लेंस नहीं बचा सके। वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। मुझे अब एक आंख से दिखना बंद हो गया था। कुछ वक्त बाद आंखों के मशहूर विशेषज्ञ सर बेंजामिन राइक्रॉफ्ट ने मुझसे कहा, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो बेहतर होगा एक आंख की रोशनी के सहारे ही खेले, क्योंकि दूसरी आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर देखने से जो स्थिति बनेगी उसे एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। दाहिनी आंख में कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर मैं 90% तक देख सकता था। बस एक ही दिक्कत थी कि सब चीजें दो दो नजर आती थी। इसके बाद मुझे यह मानने में कुछ वक्त लगा कि मैं अपनी एक आंख खो चुका हूँ। इसके बावजूद मेरे जहन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेल सकता। मुमकिन है मैंने खुद को यह मानने ही न दिया हो। हाँ, इतना तय था कि ऑक्सफोर्ड टीम के तरफ से अब मैं सीजन के आखिरी 3 मैच नहीं खेल सकता था। इसका मतलब यह भी था कि ऑक्सफोर्ड के एक सीजन में सबसे अधिक रन बनाने का अपने वालिद का यानी उनके पिता का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ सकता था। यहाँ आपको बताते चले कि एक्सीडेंट होने तक मंसूर अली खान ऑक्सफोर्ड की टीम की तरफ से जून तक उस सीजन में 1216 रन बना चुके थे, और साल 1931 में बनाए अपने पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी का रिकॉर्ड जो कि 1307 रन था, उससे बस थोड़े ही पीछे थे। इस तरह मंसूर अली खान अब एक आंख वाले टाइगर हो गए थे। दरअसल इस हादसे के बाद उन्होंने अपनी टाइगर वाली खासियत, अपनी आक्रामकता और अपनी फुर्ती को कायम रखते हुए क्रिकेट में जो मकाम हासिल किया, वह एक नजर यानी हर वक्त सिर्फ अपने लक्ष्य, सिर्फ एक लक्ष्य पर नजर रखने वालों के लिए ही मुमकिन हो पाता है। दो नजर वालों के लिए नहीं, अपने लक्ष्य से भटक जाने वालों के लिए नहीं। हालांकि एक आंख की रोशनी जाने के बाद शुरू में मंसूर अली खान रोजमर्रा की दिनचर्या में जरूर लक्ष्यों से भटक जाया करते थे। वे बताते हैं, शुरू में चीजों की दूरी का सही अंदाजा नहीं हो पाता था। जग से गिलास में पानी डालता तो वो टेबल पे गिर जाता। सिगरेट पीने के लिए तीली जलाता तो उसका आगे वाला सिरा ही पकड़ में नहीं आता था। हालांकि मंसूर अली खान क्रिकेट से जुड़े अपने लक्ष्यों से नहीं भटके कभी। वो लिखते हैं कि ऑपरेशन के 4 हफ्ते बाद ही मैं नेट पर आ चुका था प्रैक्टिस के लिए। मैं देखना चाहता था कि यहाँ बैट बॉल के साथ चीजें किस तरह बदली है। घर में तो माँ और बहन मेरी मदद के लिए आ चुकी थी, लेकिन मैदान में नेट पर तो सब मुझे ही करना था। वहाँ पहले पहल बॉलिंग की लेंथ ही ठीक से समझ में नहीं आती थी।
हाफ वॉली पर ड्राइव लगाना मुझे बहुत पसंद था, लेकिन अब मैं वह भी नहीं लगा पा रहा था क्योंकि यॉर्कर पर लगातार बीट होने लगा था। गेंद को हुक करने में दिक्कत हो रही थी, पर मुझे क्रिकेट खेलना था कैसे भी। इसके लिए मैदान पर नेट पर ज़्यादा से ज़्यादा रहना ज़रूरी था। सो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली और हिंदुस्तान आ गया। हादसे के बाद मंसूर अली खान जब हिंदुस्तान लौटे तो उसी वक्त यहाँ MCC मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब की टीम दौरे पर आई हुई थी। इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर टेड डेक्स्टर इसके कप्तान थे। तब तक इंग्लैंड और हिंदुस्तान के क्रिकेट में मंसूर अली खान का काफ़ी नाम हो चुका था, लिहाजा उन्हें MCC के खिलाफ हैदराबाद में होने वाले एक मैच के लिए प्रेसिडेंट 11 में कप्तानी की पेशकश की गई। मंसूर लिखते हैं कि मैच की शुरुआत ही बड़े मजाकिया अंदाज में हुई। टॉस के बाद मैं और टैड पवेलियन की तरफ लौट रहे थे, तभी उसने पूछा, तो टाइगर क्या करने वाले हो तुम? अरे नहीं, तुम बताओगे ना तुम क्या करने वाले हो? इधर देखो मेरी तरफ, टॉस तुमने जीता है ना, तो तुम ही बताओगे कि तुम्हें क्या करना है। तब टाइगर कहते हैं, अरे हाँ हाँ मैंने टॉस जीता है, हम बैटिंग करेंगे। दरअसल मुझे अब तक दिखा ही नहीं था मैंने टॉस जीता है। बहरहाल हमारी बैटिंग शुरू हुई। पहले तो मैंने तय किया कि कॉन्टैक्ट लेंस लगा कर खेलूँगा, लेकिन मैदान में जब उतरा तो बड़ी मुश्किल पेस आई। 6-7 इंच की दूरी पर दो दो गेंदें दिखाई दे रही थी हर बार। उनमें से अंदर दिखने वाली गेंद पर मैं बल्ला घुमाता। इस तरह चाय के वक्त तक जैसे तैसे 35 रन बनाने में कामयाब हो गया था। लेकिन फिर मैंने कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दिया, खराब आंख को पूरी तरह बंद करके आगे खेला और कैच आउट होने तक कुल 70 रन बनाए। हमारी टीम की तरफ से ये सबसे बड़ा स्कोर था। कार हादसे के बाद यह मेरा पहला बड़ा मैच था और इसमें मैंने ठीक खेला था। इस प्रदर्शन की बदौलत मुझे भारतीय टीम में चुन लिया गया। चयनकर्ताओं को शायद ही तब तक पता था कि मेरी आंख में किस तरह की खराबी है। MCC इंग्लैंड के खिलाफ हमारा दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में होना था, लेकिन मैं उसमें खेल नहीं पाया। हालांकि आंख की वजह से नहीं, एड़ी में खिंचाव के कारण। मैं फुटबॉल खेल खेल कर जल्द ही उससे भी उबरा और तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर आ गया। दिल्ली में 13 दिसंबर से वह मैच शुरू हुआ। मेरे जहन में कई तरह के भरम थे, मगर टीम में चुने जाने का उत्साह भी था। 4th नंबर पर मेरी बैटिंग आई, लेकिन पहली पारी में 13 रन ही बना सका। दूसरी बार मेरी बैटिंग आती उससे पहले ही बारिश आ गई और 2 दिन खेल नहीं हो पाया। लगातार तीसरा मैच ड्रॉ हो गया। 4th टेस्ट मैच कलकत्ते में था, उसमें मुझे फिर चुन लिया गया। हमने वह मैच 187 रनों से जीता। उसमें मेरा योगदान, पहली पारी में 64 और दूसरी में 32 रन। 5वां और आखिरी मैच मद्रास में था, उसमें मैंने शतक 103 रन बनाया। हमारी जीत हुई। मद्रास की वो पारी मेरी सबसे यादगार पारी रही। ये प्रदर्शन टीम में मेरी जगह पक्की करने के लिए बहुत था, लिहाजा वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम का भी मैं हिस्सा बना। साल 1962 के वेस्टइंडीज के उस दौरे में मंसूर अली खान पटौदी उप कप्तान की हैसियत से गए। भारतीय टीम के कप्तान थे नारी कॉन्ट्रैक्टर। वो एक मैच के दौरान बैटिंग करते हुए चार्ली ग्रिफिथ की गेंद से घायल हो गए। ऐसे में 4th टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी का जिम्मा मंसूर अली खान पटौदी पर आ गया। तब उनकी उम्र महज 21 साल 77 दिन थी। दुनिया भर में इतनी कम उम्र में किसी टीम का कप्तान बनने का यह एक रिकॉर्ड था। यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे टूटने में 40 साल लग गए, जो आखिरकार 2004 में टूटा। इसी तरह एक और रिकॉर्ड तभी बना जब 1968 में उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेश में पहली बार टेस्ट श्रृंखला जीती न्यूजीलैंड के खिलाफ। साल 1961 से 1975 के बीच मंसूर अली खान पटौदी ने भारतीय टीम की तरफ से 46 टेस्ट मैच खेले, इनमें से 40 में वे कप्तान रहे। कुल 2793 रन बनाए। बैटिंग ही नहीं, फील्डिंग में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसी वजह से उन्हें कमेंटेटर जॉन आर्लॉट और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर ने दुनिया का सबसे अच्छा फील्डर करार दिया था। भले ही आज उनके करियर को लोग कुछ खास नहीं समझते, पर यह उनके लीडरशिप का ही कमाल था जिसके चलते टीम इंडिया में एक सोच पैदा हुई कि चाहे हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हम इस खेल को अपनी शर्तों पर अपनी तरह से खेलकर जीत सकते हैं।
नवाब साहब के प्रेम कहानी की बात करें तो शर्मिला टैगोर एक हिंदू परिवार से थी और मंसूर अली नवाबी खानदान से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में उन दोनों का मिलना बहुत कठिन था। हालांकि दोनों ने ही अपने परिवारों को शादी के लिए मना लिया। शर्मिला अपने मंसूर के लिए मुस्लिम बन गई और उन्होंने अपना नाम बदलकर आयशा सुल्तान रख लिया, लेकिन दुनिया उन्हें आज भी शर्मिला टैगोर के नाम से ही पुकारती है। 1 मार्च 1967 में उनकी मंगनी हुई और 27 दिसंबर 1969 को वॉल्ब डेर एस्टेट कोलकाता में शादी हुई थी। इन दोनों की शादी भी काफ़ी चर्चित रही। शर्मिला और मंसूर की शादी में उस वक्त के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और इंदिरा गांधी ने भी शिरकत की थी। इनके लव स्टोरी के विस्तृत चर्चा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मंसूर अली खान ने 46 टेस्ट मैचों में 2793 रन बनाए थे। उन्होंने इस दौरान 6 शतक और 16 अर्धशतक लगाए थे। पटौदी के नवाब का टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 203 रन था। उन्होंने फर्स्ट क्लास मैचों में 499 पारियों में 15,425 रन बनाए थे। इनमें भी उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 203 रन ही है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जब कई राजे रजवाड़े की शख्सियत सियासत के मैदान में उतरने लगे, तब उन्होंने भी राजनीति में आने का फैसला किया। विधानसभा का पहला चुनाव उन्होंने 1971 में पटौदी एस्टेट गुड़गांव से लड़ा, लेकिन यहां उन्हें शिकस्त मिली। वर्ष 1991 में उन्होंने भोपाल से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो भाजपा के सुशील चंद्र वर्मा से हार गए। इस चुनाव में खुद पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। उन्हें भोपाल से चुनाव लड़ाने का फैसला राजीव गांधी का ही था। इस चुनाव में बेगम आयशा सुल्तान यानी शर्मिला टैगोर ने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कई क्रिकेटर भी चुनाव प्रचार करने भोपाल आए थे। मंसूर 1993 से 1996 तक ICC मैच रेफरी भी रहे थे, जिसमें उन्होंने 2 टेस्ट और 10 वनडे में यह भूमिका निभाई थी। वह 2005 में तब एक विवाद में भी फंस गए थे जब उन्हें लुप्त प्रजाति काले हिरन के अवैध शिकार के लिए गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2008 में पटौदी इंडियन प्रीमियर लीग IPL की संचालन परिषद में भी नियुक्त किए गए थे और 2 साल तक इस पद पर बने रहने के बाद 2010 में उन्होंने BCCI के इस पद की पेशकश को ठुकरा दिया था। मंसूर अली खान पटौदी का फेफड़ों के संक्रमण के कारण 22 सितंबर 2011 को 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 23 सितंबर 2011 को मंसूर अली को गुड़गांव हरियाणा जिले के उनके पुश्तैनी गांव पटौदी में पटौदी महल परिसर स्थित कब्रगाह में जहां दफनाया गया, वहां पास में ही उनके दादा दादी और पिता की कब्र है। आज का सफर यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।